जय श्री कृष्णा। बुध राहु बना रहे हैं अशुभ योग। नए साल में बचकर रहे यह तीन राशि वाले लोग। ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से नए साल को खास माना जा रहा है। हालांकि कई अशुभ योग का भी निर्माण इस वर्ष होने वाला है, जिसका प्रभाव कई राशियों के ऊपर नकारात्मक पड़ने वाला है। नए साल में बुध और राहु की युति मीन राशि में होने वाली है। इन दोनों की युति जड़त्व योग का निर्माण करने वाली है। सभी योग में से जड़त्व योग काफी अशुभ माना जाता है। 7 मार्च की सुबह बुध मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां राहु पहले से ही विराजमान है। 7 मार्च को इन दोनों की युति तीन राशियों के ऊपर भारी पड़ सकती है। मेष राशि। 7 मार्च 2024 के बाद मेष राशि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। बुध राहु युति के कारण उतार चढ़ाव रहने वाला है और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। आप धैर्य खो सकते हैं, सेहत पर भी असर पड़ सकता है, मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें, ज्यादा विवाद में ना पड़ें। अब बात करते हैं वश्चक्र राशि के बारे में। इस राशि के जातकों के ऊपर जड़त्व योग का प्रभाव नकारात्मक पड़ने वाला है। धन हानि के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार में भी निवेश करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें, वरना जल्दबाजी में नुकसान उठाना पड़ सकता है। 7 मार्च के बाद कार्य के सिलसिले में आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा काफी खर्चीली रहने वाली है। बुध और राहु की युति आपके पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव डालेगी। जीवन साथी से खटपट हो सकती है। अब बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि। इस राशि वालों पर भी बुध और राहु की युति का प्रभाव होगा, क्योंकि इसी राशि में यह युति बनने जा रही है। इस कारण मीन राशि को सतर्क रहने की जरूरत है। छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। पढ़ाई से मन विचलित हो सकता है। नौकरी में बॉस से अनबन हो सकती है, जिसके कारण मन परेशान रह सकता है। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। आय कम और खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।